जनसंवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आरएस बाली ने नगरोटा के मौजूदा विधायक की कारगुजारी पर खूब तंज कसे। उन्होंने कहा कि नगरोटा के विकास के लिहाज से ये 5 साल सबसे नकारा रहे हैं। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र इतना उपेक्षित कभी नहीं रहा जितना कि मौजूदा विधायक के कार्यकाल में है। आरएस बाली ने विधायक की परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो विधायक 4.5 साल में नगरोटा बगमा में स्ट्रीट लाइट ऑन नहीं करवा पाया वह चिप्स की फैक्ट्री क्या लगाएगा। आरएस बाली नगरोटा बगमा के निकट हटवास में जनसंवाद कार्यक्रम में विशाल जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव रघुवीर सिंह बाली ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय जेएस बाली ने नगरोटा बगमा से लेकर टांडा तक स्ट्रीट लाइट लगाई थी लेकिन मौजूदा विधायक ने सब बर्बाद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नगरोटा बगमा में बहुत किसान है, पलम से लेकर चंगर तक यहाँ के किसानों ने अपनी खून पसीने की मेहनत से माटी को सोना बनाया है। नगरोटा बगमा आलू गेहूं धान व सब्जियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है लेकिन मौजूदा विधायक ने जमीन से जुड़े मुद्दों पर कुछ नहीं किया, यह नगरोटा बगमा के लिए सबसे खराब बात है। आरएस बाली ने इस दौरान नगरोटा बगमा के हटवास में कांग्रेस कार्यालय का लोक निर्माण भी किया गया। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय जेएस बाली को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि यह कार्यालय नगरोटा बगमा की आम जनता व कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित है। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं रहूं ना रहूं, मैं अपने आने वाले बच्चों के दिलों में उनकी भावना में हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं लोगों की कामना में हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं आने वाली सोच में हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं अपने लोगों के बल में उनकी आवाज में हमेशा जिंदा रहूंगा। मैं रहूं ना रहूं, मैं अपने लोगों की आत्मा में, उनकी रूह में, उनके दिमाग में, उनके शरीर के एक एक अंग में, उनकी आत्मा के एक एक अंग में हमेशा जिंदा रहूंगा। और मैं जब आज आ रहा था, मैंने अपनी हर माँ को रोते हुए देखा, हर बुजुर्ग को रोते हुए देखा और मैं अपने आंसू हमेशा मैं बहुत मजबूती से खड़ा रहता हूँ। मुझे श्री जी एस बाली जी ने बड़ा मजबूत बनाया है, नगरोटा भगवान के हर बच्चे बच्चे को बड़ा मजबूत बनाया है, पर आज मैं भी टूट गया। मैं जब आ रहा था मैं भी टूट गया। देखो मेरी माँ अभी भी रो रही है, मेरी बहन अभी भी रो रही है और कितनी सारी माएं, कितने सारे बुजुर्ग, बड़े कम देखता हूं मैं कि आदमी भी रोते हुए, बच्चे भी रोते हुए, महिलाएं भी रोते हुए, संजय दत्त जी ये प्यार मेरे पिताजी के साथ लोगों का, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ प्यार रहा है और ये हर एक इंसान के साथ उनका प्यार है। इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय जेएस बाली ने नगरोटा बगमा को पूरे देश में मॉडर्न बनाया था। नगरोटा बगमा की चर्चा देश की संसद तक होती थी। उन्होंने कहा कि अब आरएस बाली भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा की 15 सीटें कांग्रेस उम्मीदवार जीतकर प्रदेश में बनने वाली कांग्रेस सरकार में अहम भूमिका निभाएंगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।